हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी, बारिशें रुक गई हैं, तो आपको पता था कि पिंजरे की सफाई करनी थी, तो आज हमने कहा कि सारी सफाई सफुई करते हैं अच्छे तरीके से। तो सारा तो आज आपको पता है बारिशें भी रुक गई हैं और आंधी जो आई थी वो भी रुक गई है। ये चेक करें, ऊपर से ये खला नज़र आ रहा है, इसके ऊपर छापर था, सारा उड़ गया था। और मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये छापर सारा उड़ गया था। ये देखें, इधर पहले छापर लगा हुआ था, अब कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही और काफ़ी ज़्यादा आंधी ने तबाही की है। ये देखें, ऊपर से छापर कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितनी खाली जगह यहाँ से नज़र आ रही है। इसके ऊपर सारा सिस्टम इसको करते हैं, छापर सारा लगाते हैं। ये छापर पड़ा हुआ है, एक वो पीछे रखा हुआ है, वो सारा सामान है, सफाई कर रहे हैं। ये चेक करें, पिंजरा भी बाहर निकाला हुआ है। इधर काफ़ी अंदर गंद था, अभी कुछ उठाया है। अभी ये जो मट्टी पड़ी हुई है इसको भी उठा के फेंक के आते हैं कहीं पे। और ये सारी सफाई आपको पता उस दिन की थी, ये तो सारे साफ़ हो गए। इसके अंदर अभी लगाने वाला ये बाकी सारा साफ़ है। ये इसके अंदर थोड़ी मट्टी डाल देंगे कबूतरों के अंदर, और ये नीचे से भी सफाई करके तो इसके अंदर भी मट्टी डालते हैं। और ये मुर्गी, ये जो है फैंसी मुर्गी, इसने एक और अंडा दिया है वो पड़ा हुआ है, उसको भी निकालते हैं। तो पहले सफाई कर लें, तो आपके साथ सारी वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें। तो जी, अभी फिर सफाई सफाई करते हैं, आपके साथ सारी वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आप लोग देख सकें। अभी वो एंड तेरे रखनी, ये मुर्गी ने अंडा दिया हुआ, अभी इसको निकालते हैं। लकड़ी में लेकर आए हैं, वो काफ़ी दूर पड़ा, मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो लकड़ी से खींचते हैं। और ये अगर पड़ा रहने दें तो ये तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ ही ना दें तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। अंडा ये कितने रखा, इस रखना थोड़े पीछे हो जाए, मैं आप ही निकल जाना। इतना निकला हुआ ना बाहर, ये हम मुर्गियों के लिए गंदम ले आया हूँ, तो वो ऐसे ही अंदर इसके फेंक देंगे। तो ये पानी में ऐसे ही डाला था, तो वो ये गिरा देते हैं तो बार बार। तो अभी मैं एक बोतल काट के तो उसका पानी पीने के लिए बना के यहाँ पे लगाते हैं, तो आपके साथ शेयर भी करते हैं। ये मैंने एक बोतल ली है, उसको नीचे से काट लिया है, उसमें छोटे से सुराख करके, तो ये उसमें से एक रस्सी डाल दी है, तो इसको अंदर लेके जाते हैं। तो इसको जाली के साथ बांध देंगे, तो फिर ये उधर से आराम से पानी पी लिया करेंगे, और ये नीचे गिरेगा भी नहीं क्योंकि इसके साथ सपोर्ट हो जाएगी, तो पानी ये नीचे नहीं गिरा सकेंगी, और अच्छे से ये उसमें पानी भी पी लिया करेंगी। फाइनली पानी इसके अंदर डाल दिया, और ये देखें अंदर से ड्राई भी हो गया, सफाई भी हो गई है। ये जो कूड़ा अंदर से निकला है इसको अभी फेंकने जा रहे हैं, तो हम नहर पे फेंकते हैं। तो ये हम लोगों ने फेंक दिया यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं, तो वो पता नहीं कहाँ पे आग लगी है, तो यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं, तो जाके डालेंगे कबूतरों को मुर्गियों के नीचे डाल देंगे, ताकि वो उनकी जो करते हैं बैठे छठे करती हैं, तो वो वहाँ से स्मेल ना आए, मिट्टी में मिक्स हो जाएंगी। और तूड़ी छूड़ी डाल देंगे साथ में,